अब बात करेंगे उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली इलाके की, जहां स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। बोरीवली इलाके में निकाली गई कांग्रेस पार्टी की इस गौरव यात्रा का आयोजन कांग्रेस पार्टी के गुजराती सेल के वर्किंग अध्यक्ष मेहुल गोसालिया की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं बल्कि एक इवेंट के रूप में इसे मना रही है, ताकि बीजेपी को इसका अच्छा खासा राजनीतिक लाभ मिल सके। वहीं भाई जगताप ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर कहा प्रहार किया। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाया जाए। हर बार कुछ ना कुछ पब्लिक के मुद्दे लेकर आती है, और ये बार जो हमारा 75 इयर्स चल रहा है हमारे देश का, तो पूरे कांग्रेस पार्टी है, हर एक आम जन के बीच में एक अच्छा माहौल है। हमारे भाई जगताप जी, चरण सिंह सपरा जी, भूषण भाई, और आज सब आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आम जन हमारे साथ है तिरंगा यात्रा को लेकर। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जो आपकी यात्रा निकली है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी? आज तो हमारे पूरा बोरीवली की यात्रा है, बाकी हमारे ये राष्ट्रीय नेता है जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके स्टार्ट करेंगे, पूरे देश का भ्रमण करने वाले हैं अमृत महोत्सव के जरिए, और पूरे देश में जागरूकता फैलाने वाले हैं। 1947 से लेके आज तक हम ये गौरव यात्रा निकालते हैं आज़ादी की, कोई नई बात है नहीं। और कांग्रेस के बदौलत ये जो आज़ादी मिली इस देश को, इसका पूरा सम्मान पिछले 1947 से लेकर आज तक 75 साल हो गए, और ये सारी कांग्रेस की देन है। लाखों लोगों ने जो शहादत दी है उसकी देन है। अब कुछ लोगों की आज़ादी 2014 से शुरू हो गई है। अब जब घर घर तिरंगा जब कह रहे हैं, चलो मुझे आप बताइए, आठ साल में ये सत्ता पे है, तो पिछली बार क्यों नहीं घर घर तिरंगा आया? अगर ये मानते हैं फिर भी हम स्वागत करेंगे। तिरंगा 140 करोड़ आबादी की आन बान शान है, जिसके लिए अपनी जान कुर्बान की है कांग्रेसियों ने और इस देश के जनता ने। आज जिन्होंने ये तिरंगे को विरोध किया, जिन्होंने आज़ादी को विरोध किया, वो अभी तिरंगा घर घर तिरंगा कह रहे, फिर भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये हर साल करिए, ये इवेंट मत बनाइए। तो ये तिरंगा जो है, ये तिरंगा किसी के इवेंट के मोहताज नहीं है, ये तिरंगा में बहुत जान है। महंगाई को लेकर देश परेशान है, लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो कतई ध्यान नहीं दे रही है। रसोई गैस सिलेंडर जो है, पेट्रोल डीजल सबके